हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक और आप देख रहे हैं मिस्टर दास टेक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने विंडोज 10 का अपडेट किस तरह से बंद कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ऐसे दो तरीके का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि आप अपने विंडोज 10 का अपडेट बंद कर सकते हैं। पहला तरीका होगा जिसमें कि आप सर्विसेज के थ्रू बंद कर सकते हैं, दूसरा तरीका होगा जिसमें कि आप ग्रुप पॉलिसी जीपी एडिट के थ्रू बंद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो विंडोज 10 अपडेट बंद करने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप विंडोज 10 का अपडेट बंद कर सकते हैं, जिसमें से कि कुछ आसान तरीके हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करिए सर्विसेज। सर्विसेज यहाँ पर दिख जाएगा आपको। उसके बाद सर्विसेज पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। उसके बाद क्लिक करना है आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे। तो इस तरह का एक सर्विसेज विंडोज ओपन होगा, तो उसमें सर्च करना है आपको विंडोज। तो उसके लिए आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये एक विंडोज अपडेट नाम का एक सर्विसेज आ जाएगा आपके सामने में। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर जाना है। तो प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद स्टार्टअप टाइप आपके पास मैनुअली हो सकता है या फिर ऑटोमेटिक हो सकता है। तो इन दोनों को हटा के आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिसेबल को। तो यहाँ पे डिसेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर दीजिए अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्टॉप का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसे स्टॉप पर क्लिक करना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके पे। उसके बाद क्लिक करना है आपको यहाँ पे कैंसिल पे। चलिए एक और ऑप्शन देख लेते हैं जिससे कि आप अपने विंडोज़ का अपडेट बंद कर सकते हैं यानी कि स्टॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे सर्च करिए जीपी एडिट। तो आपके सामने एक एडिट ग्रुप पॉलिसी नाम का एक एप्लीकेशन ओपन होगा। उसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जीपी एडिट का। उसके बाद क्लिक करना है आपको एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स पे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से क्लिक करना है यहाँ पे विंडोज़ कंपोनेंट्स पे। तो विंडोज़ कंपोनेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे विंडोज़ अपडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट, तो उस पर एक बार क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट, उसके लिए प्रेस करेंगे सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स आ रहा है। तो आपको इस पे एक बार राइट क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करना है एडिट पे। एडिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ये। उसके बाद इस तरह के ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे लिखा होगा नोट कॉन्फ़िगर्ड एनेबल डिसेबल। तो आपको सिंपली से डिसेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से बाहर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी अपडेट ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा जब तक आप मैनुअली नहीं करते हैं। तो इन दोनों तरीके का यूज़ करके विंडोज 10 का अपडेट बंद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।